वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से जहां 8 मीटर तो खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे गंगा बह रही है, लेकिन अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो घाटों की सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होना शुरू हो गई हैं। और देख सकते हैं हमारे ठीक सामने मणिकर्णिका महाश्मशान घाट है, वहाँ तक गंगा आगे बढ़ चली है। तो वहीं दूसरी तरफ रत्नेश्वर महादेव का वो जो घुमा हुआ मंदिर है, जिसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो मंदिर थोड़ा सा एक कोण पर झुका हुआ है। और बाढ़ के इस सीज़न में, बाढ़ के इस प्रकोप के वक्त और भी भयावह सा लगता है। और ये दूसरी तरफ ये काशी विश्वनाथ धाम का ये गंगा द्वार वाला गेट है, देख सकते हैं इनकी सीढ़ियों तक गंगा का जलस्तर आ पहुंचा है। जलकुंभी जो बाढ़ से होते हुए इन मैदानी इलाकों तक आ पहुंचती हैं वो भी देखी जा सकती है। और लगातार पानी में जो बहाव है वो तेज होता चला जा रहा है। जर्मर हैंगर यहाँ लगाया गया है सावन में, श्रद्धालुओं के मद्देनज़र सावन की तैयारियाँ भी चल रही हैं, चूँकि बहुत ही कम समय रह गया है। लेकिन जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है, जो गंगा घाट किनारे छोटे मंदिर थे वो जलमग्न होना शुरू हो गए हैं, आरती स्थल तक पानी पहुँच गया है। और साथ ही साथ जो लोग गंगा किनारे अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे पलायन हो कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर जा रहे हैं। और हमारे साथ माझी समाज के भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर जो बाढ़ की विभीषिका है वो किस तरह से बढ़ना शुरू हो गई है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम सागर है। प्रेम, ये बताइए गंगा का जलस्तर किस हिसाब से बढ़ रहा है और खास तौर से जो लहर है उससे भी हम अभी जूझ रहे हैं, दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी बढ़ रहा है सर। ये माना जाए तो कुछ ही दिन में बोट यहाँ की बंद हो जाएगी, उस पार की बोट बंद हो गई है। फिलहाल में घाट साइड सीन चल रही है, जो कि एक दो दिन में ये भी बंद हो सकती है। अभी कुछ रोक लगी है क्या, छोटे चप्पू वाले जो नाव हैं उस पर रोक लगी है और आप लोगों भी क्षमता से कम बैठाने की हिदायत दी गई है? छोटी बोट बंद हो गई है, चाहे वो इंजन बोट हो चाहे चप्पू बोट हो, वो चली नहीं पाएगी। पानी का जल स्तर इतना स्पीड से बढ़ रही है कि छोटी हैंड बोट तो चली नहीं पाएगी, इंजन बोट है छोटी वाली वो नहीं चल पाएगी, उसमें कस्टमर बैठेंगे। पानी का जल स्तर इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि वो कस्टमर डर जाएंगे पानी का देख करके, बहाव इतना स्पीड से, इसलिए वो सब छोटी बोट, जो बड़ी बोट है जिसपे हम लोग सवार है उस पर भी क्षमता से कम बैठाने की हिदायत दी गई है। बड़ी बोट पे जितनी भी क्षमता 50 की है तो उसमें से आपको 25 तक बैठाइए। बड़ी बोट चली है उसमें की बहुत कम ही सवारी लेके चलना है, ज़्यादा सवारी नहीं बैठाना, क्षमता से कम सवारी बैठाना है। क्या लग रहा है अगर ऐसी ही स्थिति जारी रहेगी तो नौका संचालन और साथ में गंगा स्नान, तैराकी वगैरह सब पर रोक लगा दी जाएगी? सब पे रोक लगा दी जाएगी, सब पे कुछ दिन में बोट बंद हो जाएगी। तो कैसे रोजी रोटी चलती है इस बाढ़ के वक्त आप लोग की? बाढ़ के वक्त माझी बंधु लोग बैठ जाते हैं, अपना बोट ही देखते रहते हैं, बोट को ख्याल करते अपना देखते रहते हैं, घाट पे ही रहते हैं, देखते हैं पानी वानी बोट का निकालते हैं। हालांकि उनका रोजी रोटी तो नहीं चलता है, ये 3 महीना तक बैठे रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ तो नाविक समाज के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से तेजी से बढ़ाव जारी है गंगा के जलस्तर में, उसको देखते हुए अब अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में उनकी नौका का संचालन भी रोक दिया जाएगा, साथ ही साथ गंगा स्नान पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और फिलहाल इधर आगे 2-3 महीने उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका छिन जाती है, उनको मजबूरी में बैठना पड़ता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।